बना को सैंडविच बनाने जा रहे हैं। पहला स्टेप हम कच्चे केले को उबाल के इस तरह स्मैश करना है। अभी स्मैश किए हुए केले को साइड में रखेंगे। दूसरा स्टेप, अभी हाफ टी स्पून तेल डालेंगे। अभी हम हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। उसके बाद अभी हम एक पिंच अजवाइन डालेंगे। अभी हम चॉप ग्रीन चिली डालेंगे। अभी हम कैप्सिकम डालेंगे। अच्छे से मिक्स करिए। फिर उसके बाद सॉल्ट डालिए स्वाद अनुसार। फिर अच्छे से मिक्स करिएगा। अभी हम स्मैश किए हुए केले को डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना। अभी अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर दीजिए। उसकी एक लेमन जूस डालेंगे, नींबू पानी। अभी पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर डालिए, हल्दी। अच्छे से मिक्स करिए। अभी इसको बाउल में ट्रांसफर कीजिए। अभी स्टफिंग के लिए ठंडा होने के लिए चॉप टोमेटोज डालेंगे। अच्छे से मिक्स। अभी हम धनिया डालेंगे। अभी मिक्स कीजिएगा। अभी हम स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। और ये मोनाको बिस्किट है। अभी एक साइड पे हम ग्रीन चटनी डालेंगे। अभी हम दूसरे बिस्किट पे टोमेटो सॉस डालेंगे। अभी हम मसाला डालेंगे सैंडविच के ऊपर इस तरह, और वो दूसरा बिस्किट उसके ऊपर डालेंगे। अभी हम हल्की सी चटनी इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह। अभी हम रोल करेंगे इस तरह। अभी हमारा मोनाको सैंडविच तैयार हो गया है खाने के लिए। अभी हम प्लेटिंग करते हैं। और इस तरह प्लेटिंग कीजिए। अभी हमारा मोनाको सैंडविच तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जिंदगी।